हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सपेक्टेड सेकंड कट ऑफ। सेकंड कट ऑफ कितनी आ सकती है, अब क्या है एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो देखो सेकंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक बात कहूंगा कि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक करो यार। नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मेरी व्लॉग्स की चैनल है, उधर भी जाकर जरा प्यार दिखाओ। भाई है तुम्हारा, क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे जिगर के छल्लो। तो ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपकी सेकंड कट ऑफ कितनी हो सकती है। देखो हम सभी को पता है कि फर्स्ट कट ऑफ ने तो एकदम सिर के ऊपर से चली गई थी। फर्स्ट कट ऑफ ऑब्वियसली कितने सारे मतलब कॉलेजेस 100% तक चले गए। तो इस बारी सेकंड कट ऑफ में टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं कि फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 2-2, 4-4% की गिरावट हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। मेनली फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ एंड थर्ड कट ऑफ में ज्यादा गिरावट नहीं होती है हर साल। ठीक है, हो सकता है कि सेकंड कट ऑफ में, मैं आपको पहले बता दूं, हो सकता है सेकंड कट ऑफ में कुछ कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी के लिए बंद भी हो जाए। ओके, होता है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, कोई ड्यू में होता है। लेकिन समटाइम्स वो नेक्स्ट आगे वाली कट ऑफ में, फोर्थ फिफ्थ कट ऑफ में जाके खुल भी जाती है। अगर सीट वहां बसती है, बच्चे वहां से कैंसिल कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ भी होती है, सीट खुल जाती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो। आपको फिफ्थ कट ऑफ तक तो मिनिमम वेट करो। ठीक है, अपने मतलब कहीं आपको लग रहा है नहीं हो सकता है तो इधर उधर एडमिशन ले लो, लेकिन फिर भी एक वेट करना, कट ऑफ देखना मत छोड़ देना। तो फर्स्ट एंड सेकंड कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, थोड़ी सी गिर सकती है, स्लाइट। हाँ, रिजर्व कैटेगरी से जो है जैसे एसटीएससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, उनमें थोड़े से ज्यादा परसेंटेज में गिरेंगे। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन लास्ट के जो दो कट ऑफ होंगे फोर्थ फिफ्थ, मेनली फिफ्थ कट ऑफ तक, आपकी जो परसेंटेज की जो गिरने की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सुनो मिस लॉजिक को, फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ में भी गिरेगी, सेकंड से थर्ड में भी गिरेगी, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में जो सेकंड और थर्ड कट ऑफ में जितनी गिरने की रेशियो होगी ना, जितनी परसेंटेज होगी, उससे ज़्यादा स्पीड में गिरेगी फोर्थ एंड फिफ्थ में। ओके, तो फोर्थ एंड फिफ्थ में गिरती है। हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ में जनरल कैटेगरी के लिए खुला नहीं रहता है, अच्छे कोर्स एंड अच्छे कॉलेजेस में समटाइम्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सीट फुल हो जाती है, बट फिर भी इन केस अगर खुला रहता है तो आपकी जो गिरने की रेशियो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो फिफ्थ कट ऑफ तक ठीक ठाक गिरेगी कट ऑफ, मेनली जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे एसटीएससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, तो उनको हिम्मत हार नहीं मानना है। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपकी चांसेस है, चाहे आपकी परसेंटेज बहुत कम क्यों ना हो, फिफ्थ कट ऑफ तक वेट करो। और अगर आपकी अभी तक फिफ्थ तक भी कोई कॉलेज ना मिले ना भाई, तो उसके बाद स्पेशल ड्राइव भी तो है, आप ही लोगों के लिए तो बनाया गया है, ऐसे क्यों टेंशन लेते हो भाई, सब कुछ रखती है डीयू, जुगाड़ रखती है आपके लिए। ओके, तो बस यही कहना था मुझे आपसे कि सेकंड कट ऑफ भाई देख लो, बहुत 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 ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो एक्सपेक्टेशन अपना सिर के ऊपर मत रखना कि आपकी 4-5% कम है जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है कंपेयर टू फर्स्ट कट ऑफ, तो सेकंड में आपकी हो जाएगी, चांसेस कम है, हो भी सकती है, मेरे कल हो नो, कुछ भी हो सकता है भाई आज के टाइम पे, बट फिर भी चांसेस कम है। तो सेफ साइड मान के चलो, डिप्रेस नहीं होना है आपको, वेट करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ में जरूरी नहीं है हर किसी का हो जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना भाई तो वीडियो पर लाइक मार दो एक बस, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई लव यू गाइस, बाय बाय टाटा, और बेल बटन भी दबा के रखो सब्सक्राइब के बगैर वाला, और नोटिफिकेशन ऑल पे करो। टाटा, बाय बाय।